हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी वर्जन 2.0। तो कैसे हो आप सभी बच्चा? एकदम बढ़िया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनी डिस्कस कर रहे थे। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर आप लोगों को जान करके बड़ी खुशी होगी कि आज हम लोग अपनी अगली यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो यूनिट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। और इस बार हमारा जो संकल्प है वो क्या चल रहा है, इस बार 90% पार, और वही टारगेट हम लोग एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो हर यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से अगर जो आप पढ़ रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो। तो जैसे कि हम लोग क्या है अपने तीन सेक्शंस में अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए, अगर जो मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट से, अगर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात की जाए यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चनों की बात की जाए, तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है सीधा, जो हमारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं है ना, लाइक हमारा एसिडिफायर के अंदर दिया है क्या डाइल्यूट HCl और अमोनियम क्लोराइड है ना, हमारे एंटा एसिड्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हैं अपना क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से कैथार्टिक्स के अंदर हमारे कैलोमिन बेंटोनाइट अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं है ना, हमारे एंटी माइक्रोबियल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इस प्रकार से हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए थर्ड यूनिट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर। अब इस जो मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी में से बेटा आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे सीधा पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैथार्टिक्स, आपको वहां पर कैथार्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटा एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी माइक्रोबियल है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिफायर, तो ये 2-2 लाइन की आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब उनको एक्सप्लेनेशन के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो एंटा एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले अगर जो हम लोग उसके बारे में बात करें कि एंटा एसिड क्या होते हैं, क्या एंटा एसिड, अब एंटा एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे क्या है बेटा, हमारे यूज किए जाते हो कब, जब हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया हो है ना, गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से बढ़ गया है ना, कैसी कंडीशन हो गई है, हाइपर क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो गई है, तो इन डैट केस हम लोग एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग सेकंड हेडिंग अपनी क्या आ जाती बेटा, एसिडिफायर। अब एसिडिफायर क्या होते हैं, हमारे ऐसे एजेंट्स जब हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो गया हो, क्या हो गया बच्चे, नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो गया, यानी कि क्या हाइपोक्लोरोहाइड्रिया या फिर ए क्लोरोहाइड्रिया की कंडीशन हो गई हो, तो इन डैट केस हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे एसिडिफायर का यूज करते हैं। एसिडिफायर हमारे कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, आगे बात कर रहे थे हम लोग कैथार्टिक्स की, कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कैथार्टिक्स के बारे में अगर जो बात की जाए, तो जब हमारा क्या है स्टूल, यानी कि जो हमारा क्या है फेसिस है, स्टूल है, जब वो क्या हो हार्ड फॉर्म हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाए, तो इन डैट केस है ना, किसकी कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, यानी कि कब्ज की कंडीशन, हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। कैथार्टिक्स क्या करते हैं, हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं और वहां से क्या हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करते हैं। अब कैथार्टिक्स के अंदर हम 2 से 3 डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, मैंने सारा का सारे लेक्चर्स आप लोगों को आपको कोर्स के अंदर पूरा डीपली और अच्छे से बताया हुआ है। अब कोर्स क्या है, बीएससी फार्मेसी की एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों चीजें हैं, आप लोग जाकर के अपने कोर्सेज में एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, बी फार्म और डी फार्मा की पेड कोर्सेज वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां पर आपको बेटा बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के साथ में पूरा का पूरा हर एक फॉर्मेट, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है सोल्यूशन के साथ में। तो आप लोग जाकर के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है। बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, तो मैं कैथार्टिक्स के बारे में बता रहा था कि कैथार्टिक्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को, यानी कि जब जो कब्ज की बीमारी, जो स्टूल हार्ड हो गया है उसको बॉडी से सॉफ्ट करके रिमूव आउट कराने का काम करते हैं।
जहाँ पर हम लोग तीन डिसीज के बारे में बात करते हैं, हमारा इरेगुलर बाउल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, है ना, कोलाइटिस के बारे में बात करते हैं और पाइल्स के बारे में बात करते हैं। कैथार्टिक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब कि हमारे लक्सेटिव और पर्गेटिव, यहाँ पर हम लोग दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं। और लास्ट में बेटा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे एंटी माइक्रोबियल, क्या एंटी माइक्रोबियल। अब एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं, जब हमारे जीआईटी ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो इन डेट केस हम किसको लेते हैं, हमारे एंटी माइक्रोबियल्स को लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या करता है, या तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ को क्या करेंगे, या तो उनको किल कर देंगे या फिर उनको ग्रोथ को क्या कर देंगे बेटा, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चार टर्म्स है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या है। अब दो नंबर में जो कि मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, मैं इसको रफ कर दूं बेटा, चलिए आ जी। दो नंबर में देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, है ना, हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को डिफाइन करना है। अब दो नंबर में सर हम इसके बारे में कितना लिखें, दो नंबर में बेटा आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको लिखना है, प्लस आपको क्या लिखना है, इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग लिख सकते हो, और प्लस बेटा आपको दो से चार इसके क्या लिख देने हैं, यूजेस के बारे में लिख देना है बस, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है दो नंबर के अंदर, इससे ज्यादा डीपली मैटर में नहीं जाना। आगे बात करते हैं हम लोग बेटा किसके बारे में, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट, क्या है, डाइल्यूट HCl के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। सेम चीज हम लोग इसके बारे में भी यही लिखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग लिखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी यूजेस लिखेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, अगर जो मैं दो नंबर के बाद में सात नंबर के क्वेश्चंस की बात करता हूं बेटा, हमारी यूनिट नंबर थर्ड के अंदर सात नंबर के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सात नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बेटा आपका सात नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल से। अब मैं अगर जो आपसे कैथार्टिक्स के बारे में बात करता हूं तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कैथार्टिक्स से, देखिए ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, व्हाट डू मीन बाय कैथार्टिक्स, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब सात नंबर में अगर जो कैथार्टिक्स आया, या फिर कैथार्टिक्स दस नंबर में आया, या फिर मैं बोलता हूँ इसको ये अगर जो टेन मार्क्स में भी आ गया, है ना, प्लस थ्री मार्क्स और हो गए इसके अंदर, जो अभी सेवन मार्क्स का है, थ्री मार्क्स और हो गए, तो पहले मैं बताता हूँ सात नंबर में आपको कितना लिखना है। सबसे पहले बेटा आपको इसके कैथार्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखना पड़ेगा, है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद में कैथार्टिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, कैथार्टिक्स का जो क्लासिफिकेशन है लक्सेटिव पर्गेटिव वो भी फर्दर क्लासिफाई होता है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी। और सात नंबर में आया तो बेटा कोई भी एक एग्जाम्पल कैथार्टिक्स का आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहीं अगर जो क्वेश्चन अगर जो आपको दस नंबर में देखने को मिलता है तो ये पूरा ही पोर्शन तो आप लिखोगे ही, पर साथ में बेटा आपको कैथार्टिक्स के दो एग्जाम्पल के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा बस, अगर जो दस नंबर में पूछा जाता है। ठीक है बेटा जी, चलिए अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल के बारे में। तो एंटी माइक्रोबियल डिफाइन इन डिटेल अबाउट एंटी माइक्रोबियल, कि एंटी माइक्रोबियल होते क्या है, तो यहाँ पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल लिखना पड़ेगा, जैसे हमारा बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसिटिक, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ये अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर क्या है क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एंटी माइक्रोबियल्स के आपको एग्जांपल्स को उठाना पड़ेगा, उसके यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, मैकेनिज्म, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन, है ना, मैकेनिज्म भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एंटी माइक्रोबियल जो है, एंटी माइक्रोबियल किस प्रकार से अपना इफेक्ट शो करते हैं, है ना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म उसका प्लस क्लासिफिकेशन। अगर जो सात नंबर में क्वेश्चन आता है तो बेटा यहाँ पर आपको इसके साथ में एक एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर जो ये दस नंबर में क्वेश्चन आता है तो दो एग्जाम्पल आपको ये सब लिखने के बाद में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में है कि सर मैंने एक बहुत बड़ा सा कमेंट भी देखा था कि सर अगर जो हमारा पांच नंबर का या सात नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, या फिर दस नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, फिर पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो कितने पेजेस में लिखें, कितना अटेंड करें, कैसे क्या करें, है ना, ये सभी के मन में डाउट है, राइट, कि कैसे क्या करना चाहिए हमें, ये सभी के मन में एक डाउट है। तो उसमें बेटा देखो सिंपल सा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा
कि 7 नंबर का अगर जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको 3 पेजेस का आपको एटलीस्ट लिखना ही है और 3.5 पेजेस का लिख जाओ, बस उससे ऊपर मत जाना। अगर जो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 से 3 पेजेस में आप लिख सकते हो और मैं बोलूंगा 2.5 पेजेस मोर देन सफिशियंट है। वहीं पर बच्चे आपसे अगर जो कोई 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 10 मार्क्स का अगर जो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो बेटा आप इस क्वेश्चन को क्या है 4 to 4.5 पेजेस तक लेकर के जा सकते हो, इससे ज्यादा पेजेस का आपको लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर अगर जो कोई क्वेश्चन 15 नंबर का 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है जो RGP में पूछा जाता है तो बेटा 7 से 8 पेजेस का आप इस आंसर को लिख सकते हो और मैं बोलूंगा 6.5 पेजेस से और 7.5 पेजेस तक लेकर के जाओ, बस मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा अगर जो मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आपका आधे पेज से ज्यादा का होना चाहिए, है ना, आधे पेज से ज्यादा का होना चाहिए और 1 पेज से कम का होना चाहिए। ओके, ये आप लोगों का रहेगा बस। इसके अलावा आपको ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन बहुत सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती है तो इस वजह से क्या है आपके क्वेश्चंस छूटने के चांसेस रहेंगे। तो बेटा आप एक रोड मैप एग्जाम में लेकर के जाओगे तो आप लोगों को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि कि आपसे पूरा पेपर आता है और पेपर आप इतने लिख दो, है ना, कि इतनी कॉपी फिल कर दो कि आपको सप्लीमेंट्री मिली नहीं है तो फिर आपके बड़े क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। ओके, अगर जो आप लोगों को हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम एंड ऑल दीज थिंग्स के लिए आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना और इस वीडियो का कमेंट का टारगेट रखते हैं कितना, मात्र 20 कमेंट। अगर जो इस वीडियो पे 20 कमेंट आते हैं और 500 व्यूज से ज्यादा व्यूज आते हैं देन इसका PDF मैं कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देन बेटा आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और आज का ये हम लोग अपना सेशन यहीं पर ही ऑफ करते हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग क्या बेटा हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और BSP फार्मेसी के साथ तो डरने की क्या बात, और याद रखना इस बार 90 पार। ओके बेटा, बाय बाय।